आज मैं आपको यदि हमें मिश्र धन दिया हो, दर और समय दिया हो और मूलधन हमें ज्ञात करना हो तो उसको निकालने का जो हमारा सूत्र है वह है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 धन दर गुणा समय। इस सूत्र के मदद से हम मूलधन को निकाल सकते हैं। देखिए जो मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सा धन यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। 3 वर्षों में ये हमारा समय हो गया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से ये हमारी दर हो गई 5%, 575 रुपए हो जाएगा। यानी कौन सा धन ब्याज लगने के बाद हमारा 575 हो जाएगा, तो ये हमारा मिश्र धन है। तो सबसे पहले प्रश्न में हमको यही देखना आना चाहिए कि कौन मिश्र धन है, क्या दर है और क्या समय है। अब देखिए इस प्रश्न को हम इस सूत्र के आधार पर करके देखते हैं। कौन सा धन, हमें सबसे पहले इसमें मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है। अब देखिए हमको दिया है इसमें समय दिया है, हमने लिखा समय बराबर, समय इसमें हमको दिया है कितना, 3 वर्ष। समय इसमें हमको 3 वर्ष दिया है। दर जो दी है इसमें, दर हमें दी है 5% वार्षिक। और मिश्र धन जो दिया है वो दिया है 575। मिश्र धन इसमें हमको जो दिया गया है वह है 575 रुपए। ज्ञात क्या करना है हमको? मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए मूलधन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वह है हमारा मूलधन बराबर मिश्र धन। इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 धन दर गुणा समय, ये हमारा इसका सूत्र है। अब इसी सूत्र के आधार पर हम मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूलधन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए मिश्र धन हमको दिया कितना है? 575 रुपए। मिश्र धन है हमारा 575 गुणा 100 बटा 100 धन, 100 धन दर गुणा समय, 5 गुणा 3, 3 वर्ष हमारा समय। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 575 गुणा 100 और 100 धन 5 3 15। देखिए अब हम इसको काटेंगे, 575 गुणा 100 और 100 और 15 को यदि जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया? 115। अब देखिए इन दोनों को हम काट देंगे, या इसको 5 से काट सकते हैं, तो हम सीधे इसको काट सकते हैं। 15 का 5 का भागा हम इसमें देंगे, 5 × 10 और 5 × 3 = 15। 5 × 5 = 5, 2 बचा, 2 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, 115। और 23 का भाग यदि हम 115 में देंगे, 23 × 5 = 115 होता है। और 5 को 100 से गुणा कर देंगे, 500 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। अब जो हमारा उत्तर बना कि 500 रुपए हमारा कौन सा धन, 500 रुपए कि 500 रुपए 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपए होगा। तो इस प्रकार से हम मूलधन ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किस धन का मिश्र धन यानी मूलधन हमको निकालना है। किस धन का मिश्र धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2400 रुपए हो जाएगा। ये 2400 रुपए हो जाएगा, ये क्या है? मिश्र धन है। 2400 रुपए हो जाएगा यानी कि ये क्या है? ये मिश्र धन है। किस धन का? मूलधन हमें ज्ञात करना है। ये हमारी दर है 12%,
और पांच वर्ष में ये हमारा है समय। अब देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आंसर हमें निकालना है किस धन का, सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन, हमें ज्ञात करना है मूलधन, हमें ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है, दर दी है, दर बराबर 12%, समय दिया है, समय दिया है हमें 5 वर्ष, और मिश्र धन हमको दिया है, मिश्र धन हमको दिया है 2400 रुपए, और ज्ञात हमको क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन निकालने का जो हमारा सूत्र है, यदि हमको मिश्र धन दिया है तो मूलधन निकालने का जो सूत्र है, मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 धन दर गुणा समय। तो सबसे पहले हम सूत्र को लिख लेंगे, मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 धन दर गुणा समय। अब देखिएगा हमें मिश्र धन क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया है हमको 2400 रुपए, हम लिखेंगे 2400 गुणा 100 बट्टा 100 धन दर 12%, समय 5 वर्ष, ठीक है। अब हम करेंगे देखिए 2400 गुणा 100 बट्टा 100 धन 12×5=60, ठीक है। अब हम काटेंगे 2400 गुणा 100 बट्टा 160, काट दीजिएगा, यह हमने काट दिया है, 2 से काट देते हैं, या 4 से भी कर सकता है, 4×16 और 4 से ये कटेगा, 4×6=24 और 0 का 0, और 4 से अगर हम 60 को काटेंगे तो हमारा कट के आ गया 15, और 15 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ गया 1500 रुपए, ये हमारा मूलधन आ गया। इसलिए हमें अगर सूत्र याद है और सूत्र के अनुसार हम जो संख्याएं हमको दी हैं उन्हें हम रखेंगे और फटाफट काट के हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है कि कौन सा मूलधन, इसमें हमने मूलधन ज्ञात करना है, 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5460 रुपए हो जाएगा। देखिए 5460 रुपए हो जाएगा, यानी मूलधन में यदि ब्याज जुड़ जाएगा तो वो मिश्र धन हो गया, ये हमारा इसमें मिश्र धन दिया हुआ है, 4% वार्षिक ब्याज की दर, ये हमारी दर हो गई, और 5 वर्ष में ये हमारा समय है, और हमें निकालना क्या है, कौन सा धन, कौन सा मूलधन, यानी मिश्र मूलधन हमें निकालना है। तो हमारा इसका उत्तर होगा, तो हमें इसमें ज्ञात करना है मूलधन, देखिए मूलधन बराबर हमारा इसमें क्या होगा, ये हमें निकालना है, और समय, समय इसमें हमको जो दिया गया है, समय दिया है इसमें हमको 5 वर्ष, ठीक है। दर जो दी है हमको, दर कितना दिया है इसमें, 4% वार्षिक, और मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन इसमें हमको जो मिश्र धन दिया है 5460 रुपए, 5460 रुपए ये हमको मिश्र धन दिया गया। अब देखिए हमें मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन निकालने का जो सूत्र है वो है मूलधन बराबर मिश्र धन, मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 धन दर गुणा समय, ये हमारा इसका सूत्र है। अब हम रखेंगे मिश्र धन में हमारा इसमें 5460, 5460 गुणा 100 बट्टा 100 धन दर गुणा समय, दर है हमारी 4%, 4×5, अब इसे सॉल्व कीजिएगा आप, 5460
गुणा 100 बट्टा 100 धन 5 को 20। देखिए अब हमारा जो आंसर आएगा 5460 गुणा 100 बट्टा 120। इसे सॉल्व कर दीजिएगा, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12 और 6 का भाग देखिए 6 9 54, 6 1 6 और 1 0। अब 910 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 0 की 0, 5 1 5 और 5 9 45। ये हमारा इसका मूलधन आया 4550 रुपए का। 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 5460 रुपए होगा। देखिए यदि हमें सूत्र याद है तो, और हमें ये प्रश्न में ये मालूम है कि हमें मिश्रधन कितना दिया है, दर कितना दिया है और समय कितना दिया है, तो इस सूत्र की मदद से हम बहुत ही आसानी से मूलधन को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।